Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. बेटी गीता, क्या बात है मौसी? फार्म का हिसाब तो देख लो बेटी। मौसी, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि इन सब बातों में मुझे मत खींचिए। इस फार्म के मालिक आप ही हैं, तो ये सब हिसाब भी आप ही रखिए ना। तुम नहीं समझोगी बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ का काम करती हूँ ना। ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मेरे लिए जो काम कर रही हैं, कोई सगी माँ भी अपनी बेटी के लिए इतना ना करे। मेरा जन्म होते ही माँ गुजर गई, उन्हें बस मैंने तस्वीरों में देखा। और जिस माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो माँ मेरे सामने खड़ी है और आप हमेशा अपने आप को पराई क्यों समझती है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गीता, तो मेरे से बेट लड़ी का तो हार जाएगा। माँ, हमारे स्कूल में चुप। मैं पहले बोलूंगी। ऐसा झगड़ा करोगे तो भूल ही जाओगे कि क्या कहने आए थे। बोलो तो, क्या कहने आए थे? माँ, हमारा स्कूल खुलने में कितने दिन है? माँ, और 10 दिन है ना माँ? नहीं, और 7 दिन बाकी है। हुआ, हार गई ना, हार गई। मैं कहा हारी? मैंने तो 7 ही दिन कहा था। तूने कहा? तो मैंने कहा। नहीं, मैं जीती। नहीं, मैंने कहा। नहीं, मैं जीती। अरे बस करो, झगड़ना बंद करो। तुम लोग यहाँ से चले जाओगे फिर मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मुझे। झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम दोनों साथ में बैठोगे, ठीक है? कालिया, अब इसकी तबीयत कैसी है रे? हाँ, हाँ। डॉक्टर को दिखाई ना तूने? हाँ, हाँ। और कोई चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, हाँ। जख्मे ठीक हो गई ना? हाँ, हाँ। अरे अरे अरे, राजा राजा, कहाँ जा रहे हो तुम? हम तो तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं। रुक, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। ले, खा खा। खाना, राजा हमारा वेरी वेरी गुड है। Thank you.
क्या हुआ काजिया? क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? पापा की हालत बहुत सीरियस है, टेलीग्राम मिलते ही मिलने को कहा है। तुम लोग कालिया के साथ रहो, मैं फोन करके देखती हूँ क्या हुआ है। नमक हराम, जिस थाली में खाते हो उसे ही छेद करते हो। भिखारी की तरह जिंदगी जी रहा था तू, दोस्त समझकर आसरा दिया, विश्वास किया और उसी विश्वास में तू रोज जहर मिलाते गया और मेरा नाम लेके मेरे पीठ पीछे कंपनी में लाखों का घोटाला कर दिया तूने। नाराज मत हो दोस्त, बिल्कुल नाराज मत हो मेरे पे, नाराज मत हो। बीमार हो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं तो बेईमान हूँ, मैं ये बात मानता हूँ हमेशा। देखो वो बात तो मैं हमेशा मानता ही हूँ ना। ऐसा ईमानदार दोस्त कहीं मिलेगा क्या? बात यह है कि उस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। सफाई दे रहे हो? तू मुझे सफाई दे रहा है? तुम्हें इतनी पैसों की जरूरत क्यों थी मैं जानता हूँ। जुआ शराब वैश्यों के पास जाना, इसी चीजों में पैसा बर्बाद किया तूने। मेरा खाके मुझे ही बर्बाद करने चले थे तुम। ये देख, ये कागज देख रहा है, इसमें तेरे सारे काले चिट्ठे मौजूद हैं। ये मैं वकील के पास भेज रहा हूँ, उसके बाद तुझे पुलिस उठा के ले जाए या कोर्ट कचहरी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। भाई भाई भाई, एक काम तुम मत करो। आप मेरे इतने पुराने दोस्त हो, ये काम तुम करोगे ना तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं टोटल बदनाम हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? तुझ पे मैंने कितना भरोसा किया था, सोचा था मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकता। सोचा था मेरा कारोबार तू संभालेगा, मेरी बेटी और उसके बच्चे का जिम्मेदारी लेगा, मगर तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। जरा सा भी ख्याल नहीं आया, गीता के बच्चे तुझे दादा दादा कहते हैं, गीता तुझे मौसा का सम्मान देती है। नहीं, आज मैं गीता को सब कुछ बता दूंगा, तेरी असलियत जानना जरूरी है उसको। उसे भी जानने दो कैसे तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। हेलो हेलो पापा। अरे अरे बेटी गीता, आपकी तबीयत कैसी है पापा? अभी थोड़ा ठीक हूँ। तबीयत ठीक होते ही मैंने तुझे फोन करने के लिए ट्राई किया था, लाइन नहीं मिला तो टेलीग्राम किया था। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ फिलहाल ठीक हूँ मैं। सुन बेटी, तुझे एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। क्या बात है पापा? तेरी हेलो पापा, क्या बात है पापा, क्या हुआ? हेलो हेलो पापा, हेलो हेलो पापा, हेलो पापा, हमें छोड़ के चले गए हीरो, पापा हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा कि मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी। मुझे सहारा देने के लिए अब कोई नहीं बचा रहे, अब किसके भरोसे जीऊं मैं, किसके भरोसे जीऊं? मैं तो हूं ना गीता, मैं तुझसे वादा करती हूँ तुझे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि तू इस दुनिया में अकेली है। किस्मत में जो लिखा है वो तो कोई बदल नहीं सकता ना, हम सब वक्त के हाथों बंधे हैं। ये लो चाय पी लो, अच्छा लगेगा। लो। सच में सीमा, अगर तू मेरे साथ नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ठीक गीता, ऐसी बात नहीं कहते, मेरी रहते तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा सोचना मैं तेरी दोस्त नहीं बहन हूँ, बीते कल की बातें भूल जा, वो सब सोचकर फायदा क्या है। सीमा सही बोल रही है बेटी, तुम पे अभी बहुत जिम्मेदारी है, ऐसे टूटने से नहीं चलेगा, बच्चों की भी तो एक भविष्य है, तुम्हारे पापा का करोड़ों का बिजनेस है। फिलहाल सारे दुख दर्द को भुला के उन सबको संभालना है। पति के गुजरने के बाद मैं पहले से ही बहुत टूट चुकी थी, तब पापा ने मेरा हाथ थाम के कहा था कि बेटी ऐसे टूट के नहीं चलेगा, तुझे अपने भविष्य को खुद संवारना होगा।
अब यही पापा मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मैं उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाई, उनसे बात भी नहीं कर पाई। वो फोन पे मुझसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन कहने से पहले ही वो चले गए। अरे मैं सब जानता हूँ बेटी, सब जानता हूँ। मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं उसके पास होते हुए भी उसने मुझे बोला, ए गोवर्धन मेरे दोस्त, तू मेरा भाई है, इस घर का टोटल दायित्व तेरा ही। बोला था ना, अरे ए अविनाश बोला था ना। और एक बात बोल के गया, बोला मैं तो जा रहा हूँ दोस्त, लेकिन मेरे जाने के बाद गीता टोटल अकेली हो जाएगी। उसने बोला था बोलने के लिए, ताकि तुम दूसरी शादी कर लो। मौसा जी ऐसी बात मत कहो, ऐसी बात मत कहो, अब ये मुमकिन नहीं है। तेरा दुख मैं समझ सकता हूँ बेटी, जिसके पिता की चिता अभी तो ठंडी नहीं हुई। और ठीक इसी समय मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है बेटी। अविनाश की आखिरी इच्छा यही थी बेटी, इसलिए मुझे कहना पड़ा। बेटी तू ही नहीं, मैं भी टोटल अनाथ हो गया रे। आए, आए, आए। विक्रम। विक्रम हाँ? तुम यहाँ अचानक? ऐसा मौका अचानक ही आता है सीमा। मतलब? समझ गए ना सीमा, मेरा प्लान अगर सक्सेसफुल हुआ तो गीता का करोड़ों रुपया मेरे हाथ में आएगा। गीता के पास जाने के लिए मेरी मदद करेगा गोवर्धन मामा, और बची कुछ मदद करोगी तुम। हुँ? बोलो मदद करोगी या नहीं? आज पायनियर क्लब में एनुअल फंक्शन है, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। वेलकम वेलकम गीता, वेलकम टू पायनियर क्लब। क्यों कसम खाई थी ना कभी घर से नहीं निकलोगी, है ना? कसम खाना जितना अच्छा है उतना ही अच्छा होता है कसम तोड़ना। मामा जी नमस्ते। आपको कह रही है। समझ गई बेटी गीता, आज हमारे क्लब का एनुअल प्रोग्राम है। हाय। समझ गई गीता, आज हमारे क्लब का एनुअल प्रोग्राम। हाय। टोटल खत्म हुआ। बेटी गीता आज हमारे क्लब का एनुअल प्रोग्राम है। तुम्हारे पिताजी ने अविनाश चौधरी जी ने इस क्लब का उद्घाटन किया। वो तो आज नहीं है, लेकिन उनके बदले तुम आकर के इस क्लब को धन्य कर दिया। बेटी इसमें मैं भी बहुत खुश हूँ, और मैं टोटल क्लब की तरफ से तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। हाय। वेलकम मैडम, वेलकम जी। नमस्ते। जाइए जाइए जाइए, भीड़ मत करिए, लड़की को थोड़ा सांस तो लेने दीजिए। चलो बेटी तुम्हारा सब लोग इंतजार कर। गोवर्धन जी थोड़ा सुनिए। नमस्ते गीता जी। नमस्ते। क्या हुआ, पहचाना नहीं? हाँ मैंने नहीं पहचाना, आप अनजाने से लग रहे हैं। ठीक 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 ठीक, परिचय तो मैं करवा देता हूँ। ये मेरा भांजा है, टोटल सोने जैसा है, बस अभी लंदन से ही लौटा है। आपके पिताजी अगर आज होते तो वही आपको बताते कि वो मुझसे कितना प्यार करते थे। अरे बाबा प्यार करना इतना आसान नहीं है,
असल में उनकी यही मर्जी थी ये उनका बिजनेस देखे। लेकिन मेरा भांजा तैयार ही नहीं हुआ। और ऐसे कैसे तैयार होता, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस है क्या? थोड़ी नजर हटी सब लोग लूट लेंगे। दो साल से, समझी बेटी, दो साल से मैं पीछे पड़ा, तब साहब को लंदन से इंडिया आने की फुर्सत मिली है। अरे गीता, हाँ? तू यहाँ गप्पे मार रही है, वहाँ सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल हाँ। आजा। जाओ। एक्सक्यूज मी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही हीरोइन सीमा है ना? हाँ, और गीता की फ्रेंड भी। अच्छा, एनीवे आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा सीमा, आज के इस खास मौके पर तुम्हारा कोई डांस का प्रोग्राम है कि नहीं? इंतजार कीजिए और देखिए। Hey!
खेलूंगा। नहीं तुम जिद मत करो, आजकल बहुत जिद्दी हो गए। मैंने मस्ती कहाँ की? हाँ माँ यही मस्ती करता है। आए आए, मैंने क्या कह रहे? किया। उफ हो, बंद करो बंद करो। अरे ये विक्रम है ना? हाय। हाय। चुप करो। लग गया। नहीं कविता, ऐसे नहीं हंसते। हम फिर से मिल गए, इसी को कहते हैं किस्मत। नमस्ते गीता जी। अरे वाह, लवली किड्स, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है कविता, इसका नाम है रोहित। नहीं, मेरा नाम क्यों कहा? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम विक्रम। हाय हीरो। छी, ऐसे नहीं कहते, उन्हें अंकल कह के पुकारो। सॉरी माँ। अच्छा अंकल, आपको अच्छे से बैडमिंटन खेलना आता है? हाँ हाँ बैडमिंटन खेल लेता हूँ। सीमा आंटी से भी अच्छा? खेलने के बाद पता चलेगा ना। क्या कहती है मिस सीमा, एक गेम हो जाए? Why not? चलिए चलिए। आंटी जीतेगी। जा जा जा, अंकल जीतेंगे। आंटी, अंकल। अच्छा अच्छा ठीक है चलो बैठते हैं। Come on अंकल। Come on आंटी। Yes yes अंकल, come on। Yes। शाबाश अंकल, वाह वाह। देखा कितना अच्छा शॉट मारा। अरे जा जा, इससे अच्छा तो मेरे डैडी खेलते थे। ये अंकल जीत गए, जीत गए अंकल, जीत गए अंकल, जीत गए ये अंकल, जीत गए। आप बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं, हमें भी सिखाएंगे? हमें भी सिखाओगे ना? हाँ, तुम भी सीखोगी? हाँ। ठीक है, सिखा दूंगा। कल से ही शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है। कविता रोहित चलो चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुम काहे चिंता कर रही हो, बच्चे लोग आ जाएंगे बेटी। रामू काका, रात के 9 बज चुके हैं, फिर भी बच्चे घर नहीं लौटे। चलो चलो उतरो बच्चों, घर आ गए हम लोग। इतनी देर क्यों हो गई तुम लोगों को? पता है माँ, हमने पिकनिक में बहुत मस्ती की। मुझे इतनी चिंता हो रही थी, शाम से बस तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। माँ का मन है ना, चिंता तो होगी ही, लेकिन आप तो जानती थी बच्चों को मैं घुमाने ले गया था, मेरा इतना तो फर्ज है ना। आप मुझे गलत मत समझिएगा, अगर आप पे भरोसा नहीं होता तो मैं अपने बच्चों को आपके साथ नहीं भेजती। पता है ना, अंकल ने हमें घोड़े पे बिठाया था। अच्छा तो तुम दोनों कमरे में जाओ, कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध भेजती हूँ। दूध पीने के बाद अच्छे से सो जाओ। ओके ठीक है, बाय अंकल। बाय बाय, गुड नाइट। आओ चलो खाने चलो। अच्छा मैं चलूं? अरे नहीं नहीं, कुछ खा के जाइए ना। नहीं नहीं, फिर कभी आऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा अंकल, आपके कहने पे हमने खाना खाया, अब हमारे कहने पे आपका खाना ही पड़ेगा। ठीक है बाबा, ठीक है मैं खा के ही जाऊंगा। आपके हाथ में चूड़ी बहुत सुंदर लग रही है, खानदानी लग रहा है। भारतीय शिल्पकारी का यह नमूना है, बहुत सालों से हमारे खानदान की औरतें इसे पहनती हैं। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट कविता। गुड नाइट रोहित। गुड नाइट। आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। हाँ। अरे आप नहीं खा रही हैं? आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं ना? हाँ बच्चे मुझे प्यारे लगते हैं। मेरे पति को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, ढेर सारे खिलौने लेके आते थे वो उनके लिए, चाहे जहाँ जाए आते वक्त कुछ ना कुछ तो लेके ही आते थे बच्चों के लिए हमेशा।
एक बार किसी काम के लिए वो कोलकाता गए थे। कविता तब 1 साल की थी। मेरा हाथ थाम थाम के चलती थी। उसे लकड़ी का घोड़ा चाहिए था खेलने के लिए। गीता, और जानते अरे गीता, हो उन्होंने क्या किया? गीता, अरे गीता, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? अरे यहाँ आओ, अरे जरा जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो देखो देखो, मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे ये क्या है? घोड़ा? क्या मैं जानती नहीं घोड़ा है? हाँ। लेकिन इसे क्यों लेके आए हो? अजीब बात है, तुमने ही तो कहा था जाते समय कि कविता के लिए एक घोड़ा लेकर आना। मैंने कहा था? हाँ, याद नहीं रहा ना? तुम्हारा अब क्या करूँ मैं? कविता के लिए घोड़े का खिलौना लेने को कहा था और आपने सचमुच का घोड़ा उठा लिया। उठा के नहीं लाया मैडम, बैठ कर आया हूँ। मजाक कर रहे हो? कविता क्या करेगी इसका? अरे कविता जब बड़ी होगी ना, तब इसमें सवारी करेगी और कहेगी, पढ़ लिख कर काले घोड़े पे चढ़ूंगी, सबकी छुट्टी कर दूंगी। हाँ, तब तक तुम इस घोड़े पे सवारी करना। हा? मैं? हाँ। इस घोड़े पे? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। अच्छा तुम इधर आओ, मैं तुम्हारा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तुम्हारी डर निकल जाएगी। अरे आओ ना, आओ आओ आओ। ये चीज घोड़े को बहुत पसंद है, ये लो पकड़ो और घोड़े को खिला दो। ये तो घोड़े का खाना है। हाँ, इस चने में बहुत खूबियां हैं। जानवर, इंसान, भगवान सबको अपने बस में कर लेता है। खिलाओ, अरे खिलाओ। ये काटेगा तो नहीं ना? मैं उसे काट लूंगा। आओ आओ ना। जब देखा तुम्हें मैं, तब से तुम्हारा चेहरा दिल में बसा है। ओ पहली बार जब देखा तुम्हें मैं, तब से तुम्हारा चेहरा दिल में बसा है। जीवन में
जीवन में सारे दुख भुला दी है, कुछ और मैं तो अब चाहूँ ना। बस तुम ही हो अरमां, तुम्हारे सिवा और कुछ भी मैं चाहूँ ना। मुझे सुख सारे मिले, तुम पास जो आ गए। मुझे सुख सारे मिले, तुम पास जो आ गए। जीवन में क्या अब चाहूँ मैं, चाहूँ बस तुम्हें चाहूँ। हाँ चाहूँ चाहूँ तुम्हें चाहूँ। रोहित तब 3 साल का था, कविता भी बड़ी हो रही थी। मेरी जिंदगी के आसमान में इंद्रधनुष के 7 रंग सजे हुए थे बिल्कुल, लेकिन अचानक उस आसमान में घने काले बादल छा गए, सारे रंग मिट गए। हमारी सालगिरह थी उस दिन। उस दिन उनके इंतजार में हम सब उनकी राह देख रहे थे, लेकिन वो इंतजार मैं अब तक कर रही हूं। क्या हुआ था? पार्टी में पहुंचने की जल्दी में वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगे और फिर उनकी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनके साथ मेरे सारे सपने, सारी आशाएं, सारे सुख टूट के चकनाचूर हो गए। मेरे बच्चों की खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद उनके चेहरों पे मुस्कान देखी मैंने। अगर आप चाहें गीता जी, आपके और बच्चों के चेहरे पे हंसी वापस आ सकती है। हा? मैं जानता हूँ गीता जी, अभी भी आपके दिल में रवि जी का प्यार, मोहब्बत, अपनापन और यादें जिंदा हैं। वहां किसी और की जगह नहीं। लेकिन गीता जी, आपके मन में कहीं एक कोने में खाली जगह हो तो फिर गीता जी वो जगह के आप मुझे देंगी? मैं सब कुछ बदल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन उस खाली जगह को भर के आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकता हूं। मैं नहीं जानता गीता जी, ये बात बोलने की हिम्मत मुझ में कहां से आई, लेकिन यकीन कीजिए मैं जो बोल रहा हूं वो सब सच बोल रहा हूं। सही है भांजे, सही है, तू बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। गीता के सामने मगरमच्छ के आंसू रोके मैंने जो सपना देखा ना, पूरी प्रॉपर्टी हड़पने का, उस प्लान को सफल होने में ज्यादा टाइम नहीं है। आप बस देखते जाओ मामा, तुम्हारा ये भांजा कैसे बाजी मार लेता है। अच्छा भांजे, हाँ? एक बात सही सही बता तो, एक काम तूने किया कैसे? अरे मेरे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। बाकी कामों में तो दिमाग बहुत चलता है, इस काम में क्यों नहीं चला? अरे क्या बोलो भांजे, इस कुत्ते ने भौंक भौंक के तो मेरा कान ही टोटल बंद कर दिया है। अच्छी बात अंदर जाती नहीं है और गलत बात बाहर निकलती नहीं। छोड़ो इन बातों को, जरा मुझे बता तो क्या क्या हुआ मामा। हाँ? फिलहाल तो उसने मुझ पर भरोसा करना शुरू किया है। वो सोच रही है कि मैं निहायत ही शरीफ हूँ। बहुत यकीन है उसे, मुझे वो दुख का साथी समझती है, इसलिए उसका घर द्वार मेरे लिए हमेशा खुला है।
अरे वाह। सिर्फ उतना ही नहीं मामा, मैंने उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया है। अरे तूने क्या कर दिया? हाँ। भांजे, तूने शादी की बात कही उससे? उसने मारा नहीं? विक्रम को उसके दोस्त कहते हैं, लेडी किलर। आज तक मैंने बहुत लड़कियां पटाई, लेकिन मुझे पटाने वाली आज तक कोई लड़की बनी नहीं है। अरे वो सब पता है, लेकिन गीता की बात कुछ अलग है। तूने उससे बोला कैसे? सिंपल, वेरी सिंपल मामा। हाँ। कहावत है ना, गाय कितनी भी लात मारे हैं, उसे शांत करने के लिए आगे उसके बच्चों को बांधो। हैं? बिल्कुल वैसे ही अब गीता के दोनों बच्चे मेरे बस में हैं। फिर उनकी माँ मेरे ही हाथ से घास खाएगी ना। हाँ? वाह, तेरे दिमाग की तारीफ करनी चाहिए। सच बोलता हूँ भांजे। हाँ। अगर ये प्लान तेरा टोटल सक्सेस हो गया ना, तो फिर तू वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगा। जिस दिन कोई किताब बेईमानी के ऊपर लिखी जाएगी, मगर माँ बाप की एक विधवा औरत जो करोड़पति भी है, उसको किस तरह फंसा के उसके साथ शादी की। लेकिन वो तैयार होगी ना? नहीं सीमा, मुझे जीवन साथी की जरूरत नहीं। तुझे जीवन साथी की जरूरत नहीं है ये मुझे पता है, तुम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचती हो? सब अपने लिए जीते हैं गीता, पर दूसरों के लिए कितने लोग जीते हैं? वही जीना तो जीना है। इसके अलावा तेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, घर है, इतना बड़ा बिजनेस है, इन सब के लिए अगर खुद का बलिदान भी देना पड़े तो कुछ खोना नहीं, सिर्फ पाना है। गीता बेटी, कुछ कहना है आपको रामू काका? क्या कहूं बेटी, छोटी मुंह बड़ी बात बेटी, घर का नौकर होने के बावजूद यहां मुझे इतना प्यार और सम्मान मिला है कि कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बोलो ना रामू काका, क्या कहना है आपको? सीमा ने जो कुछ भी कहा वो सही था बेटी, इतनी उम्र हो गई है, मैंने पूरी दुनिया देखी है बेटी, अच्छे बुरे की पहचान अच्छी तरह है मुझे बेटी। बेटी, मेरा दिल कहता है विक्रम जी बहुत अच्छे इंसान है। एक इंसान में जो खूबियां होनी चाहिए विक्रम जी में वो सब कुछ है। इसके अलावा जीवन में कभी कभी बेटी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझौता करनी पड़ती बेटी। मुझे लगता है बेटी कविता और रोहित भी यही चाहते हैं बेटी। हाँ, यहाँ पे आप साइन कीजिए। और आप यहाँ पे। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक विक्रम जी। थैंक यू। गीता जी आपको भी नमस्ते। वेलकम वेलकम गीता, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा आप लोग देर मत करिए, खाना पीना शुरू कर दीजिए। जाइए जाइए, अच्छे से खाइएगा। जाइए हाँ जाइए जाइए। अबे गधे कहीं के, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने से जब भी जाया कर कुछ देकर ही जाया कर, चल अब दे दे मुझे। आजी, आपके हाथ में एक ग्लास है, उसे फूल करना भूल गया मैं। फूल? अब टोटल खा लिया। आजी, पानी दूं या सोडा? नो पानी नो सोडा। अरे विस्की में सोडा और पानी मिलाएंगे तो कॉकटेल हो जाएगी ना। हाँ? कॉकटेल ड्रिंक टोटल जुर्म है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। आपको भी मैडम। थैंक यू। अरे आती हूँ। हेलो मिस्टर विक्रम, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मिस्टर बैनर्जी। भांजा, मेरा सोने का भांजा है, मेरी तरफ भी देख, अब तो तुझे सब मिल गया।
मामा को तू भूल गया, मेरा मतलब टोटल भूल गया मेरे प्यारे भांजे। मामा। अरे भांजे, ये जो तूने बेईमानी से घर बनाया है ना, उसकी नींव तो मैंने ही रखी है ना। मामा, आप होश में नहीं है, आप चुप कीजिए। क्या बोले? आप होश में नहीं है, आप जाइए यहाँ से, जाइए। अरे जा तो हेलो। कांग्रेचुलेशन विक्रम। आपको भी कांग्रेचुलेशन। क्या हुआ, तुम इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं नहीं, छोड़िए ये सब बातें। आप रामपुर फार्मेसी जा रहे हैं ना हनीमून के लिए? और तुम भी मेरे साथ चलोगी? नहीं, मैं जाके क्या करूंगी? देखो असल में क्या सलाह मशवरा हो रहा है? सलाह मशवरा नहीं, निमंत्रण। मैं तुम्हारी दोस्त को कह रहा था कि हमारे साथ रामपुर फार्म हाउस पर चलो, ये तो राजी ही नहीं हो रही है। यही उसकी आदत है, खाने को कहोगे तो पहले ना ना कहेगी, लेकिन उसके बाद ऐसे खाएगी जैसे खाना कभी देखा ही ना हो। लेकिन गीता। लेकिन कुछ नहीं, तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुझे अकेला छोड़ के जाएंगे? बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे, सब लोग मिलके बहुत मजे करेंगे। अब तो चलेगा ना? ठीक है। कैसी हो मौसी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो बेटी? अच्छी। अरे मौसी। बस। अच्छा मौसी, ये है विक्रम और ये है मेरी मौसी। नमस्ते। पूरे फार्म की देखभाल मौसी ही करती है, सारा हिसाब किताब भी यही करती है। अच्छा अच्छा, आओ ना। और यह कालिया, बेचारा बोल नहीं सकता है। मेरे राजा की देखभाल यही करता है। आइए अंकल, हम आपको हमारा फार्म दिखाते हैं, आप भी आओ ना आंटी। चलो कालिया अंकल। हाँ चलो चलो। देखा बेटी, लोगों को लगता है बस इंसानों को समझ होती है, लेकिन अपने राजा को देखो, तुम्हारे आने से कितना खुश है वो, कितने प्यार से बुला रहा है तुम्हें। विक्रम, तुम और यहाँ इस वक्त? अरे मैं तो पूरा समय तुम्हारे साथ रहता हूँ। गीता? गीता कहाँ है? गीता अपने बच्चों के साथ है, उसके बच्चे उसके बगैर सोते नहीं। और सुहागरात? सुहागरात? सुहागरात तो होगी, लेकिन उस बदसूरत गीता के साथ नहीं, खूबसूरत सीमा के साथ। ओ विक्रम, तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं जी सकती, तुम ये नहीं समझ सकोगे विक्रम, दिल पर पत्थर रखकर मैं कैसे ये सब सहन कर रही हूँ। धीरज धरो सीमा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी मैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर रहा हूँ ना। मैंने शराफत का नकाब ओढ़ के गीता के करीब आने की कोशिश की, और तुमने उसे मेरे पास आने के लिए बेहतरीन तरीके से मजबूर किया। वही कोशिश हमारी आज सफल हुई सीमा। एक छोटा सा सिग्नेचर करके, झूठी शादी करके, आज मैं करोड़पति बन गया सीमा। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू, और इस नई जिंदगी की शुरुआत हमारी सुहागरात से होगी। ओ विक्रम। सीमा। रुक जाओ। वेरी गुड राजा, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सीमा। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ गीता, तू आज बहुत खुश दिखाई दे रही है। हाँ सीमा, आज मैं बहुत खुश हूँ। कल तक तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रही, लेकिन आज समझ आ रहा है जो हुआ है ठीक हुआ है, और तेरे जैसी दोस्त जिसकी हो वो खुश क्यों ना हो भला। ए
तू जानती है यहाँ पे ना मौसी ने बहुत सारे फल उगाए हैं। मजा आ जाए, हम कल तोड़ेंगे। हाँ खूब मजा, बहुत मजा आएगा। सीमा क्या हो रहा है, शिकार पे जाना है कि नहीं? अरे सब रेडी है, जल्दी जल्दी चलो। आती हूँ। चलो चेंज कर लेते हैं। देखो बच्चे शिकार पे नहीं जाते, तुम लोग बड़े हो जाओगे तो मैं जरूर शिकार पे ले जाऊंगा। कविता, रोहित, मामा, देखो अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, तुम लोग काली और शांति मौसी के साथ रहो, हम लोग जल्दी से लौटेंगे। चलो जल्दी पप्पी दो। मेरे प्यारे बच्चे, आती हूँ मैं। बाय। टाटा। मौसी को तंग मत करना, अच्छे से रहना। हाँ टाटा, मैं जल्दी लौटूंगी। बढ़िया जगह है ना? हाँ कितनी सुंदर है। ब्यूटीफुल। हाँ सच में देखो कितना सुंदर झरना है। अरे कितना सुंदर झरना है। अरे सीमा उठना उठना। हाँ, जल्दी पोज दे, मैं तेरा फोटो निकालती हूँ। वाह, इस लोकेशन में तेरी और फोटो खींचती हूँ। हाँ ओके ओके। और पोज दे। और एक पोज। हाँ ये वाली अच्छी है। हाँ गुड गुड गुड। मगरमच्छ कहाँ है? मगरमच्छ, ओह माय गॉड। नहीं नहीं नहीं, गीता 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 छोड़ो गीता गीता। एक बात समझ लो सीमा, इस काम में हम दोनों पार्टनर हैं, इसलिए पुलिस को जो बयान दिया है उसमें बदलाव मत करना। गीता मगरमच्छ का फोटो खींच रही थी, इतने में उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई। हम लोगों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन मगरमच्छ उसे खींच कर ले गया। समझ गई ना तुम? सुनो, सच्चाई कभी भी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो सच फांसी का फंदा बनकर हम दोनों के गले में पड़ेगा। होशियार, इंस्पेक्टर आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप कर क्या रहे हैं। शाम हो गई और आपके इतने सारे लोग मेरी पत्नी की लाश तक नहीं ढूंढ पाए। आप लोग समझ भी नहीं सकते कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। चल रे माझी उस पार। हैं? नानी, माँ कहाँ चली गई? क्या सच में मगरमच्छ मम्मी को? नानी, माँ के कभी नहीं लौटेंगी। जरूर आएगी बेटा, भगवान इतना भी कठोर नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों से उनकी माँ को छीन ले। जरूर आएगी वो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। काली अंकल, काली अंकल, नानी ने कहा कि माँ जरूर लौट के आएगी, अब आप रोना बंद कीजिए ना। बस बस बस, और एक। हाँ, हाँ,
आओ चलो खाने चलो। नहीं हम नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है। अरे अरे खाना नहीं नहीं खाएंगे यही सब सुन रहा हूँ कब से, कितने दिन ऐसे चल सकता है? जब तक हमारी माँ नहीं आएगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। देख रहे हो ना, हीरो भी तुम्हें खाने के लिए बुला रहा है। वो देखो वकील अंकल आ गए। अंकल अंकल माँ आ गई क्या? माँ आ गई। जिस दिन से गीता घर नहीं आई है उस दिन से इनकी जुबा पर एक ही बात है, माँ नहीं आई, माँ कहाँ है? सिर्फ दरवाजे पे नजर है, माँ कब आएगी? बिन माँ के ये बच्चे टूट चुके हैं, ना तो ये खा रहे हैं ना सो रहे हैं ना स्कूल जाना चाहते हैं। मैं अब ये सब देख नहीं सकता हूँ वकील बाबू। वकील जी आप जरा इन लोग को समझाइए ना, वकील बाबू आप ही समझाइए इन्हें। रोहित कविता देखो अच्छे बच्चे कभी जिद नहीं करते। अच्छा तुम माँ से बहुत प्यार करते हो है ना? तो फिर तुम अगर स्कूल नहीं जाओ, खाना ना खाओ, ना सो, तो माँ के मन में दर्द होगी और कभी नहीं लौटेगी। नहीं, हम खाएंगे, हम स्कूल भी जाएंगे और सोएंगे भी, फिर तो हमारी माँ जरूर वापस आएंगे। हाँ, हाँ बेटी जरूर आएंगे। आप ये क्या बोल रहे हैं वकील साहब, कभी ना कभी तो इन्हें सच पता चलेगा ना, झूठे दिलासे से क्या फायदा? और बच्चों मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा, तुम्हारी माँ अब दुनिया में नहीं रही, समझते क्यों नहीं? जाओ जाओ यहाँ से जाओ। मिस्टर विक्रम आपका इस तरह से बच्चों के साथ बर्ताव ठीक नहीं है, उन्हें प्यार चाहिए। अब उन्हें क्या चाहिए ये मैं अच्छे से जानता हूँ, इन बच्चों का बाप मैं हूँ आप नहीं, ये बात याद रखिए, अंडरस्टैंड? वकील साहब विक्रम की बात को आप माइंड मत करिएगा। गीता के जाने के बाद मेरा भांजा टोटल अपसेट हो गया है, इसलिए वो इतना परेशान और चिड़चिड़ा रहता है। हाँ। आपने सही कहा, लेकिन मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा ही अपसेट है, सही कह रहा हूँ? हाँ थोड़ा। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ हैं? उसने मुझे धक्का दिया था बाबा। मैं बचाओ करके बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की और मैं मौत के साथ लड़ रही थी और वो मेरी मौत का तमाशा देख रहे थे। ठीक है बेटी, ठीक और मत रो बेटी, इतने दिनों बाद तू कुछ बोली है, बोल बोल बेटी, वो आदमी तेरा कौन है और ऐसा कैसे हुआ?
बोल बेटी, बोलने से दुख हल्का हो जाता है। बोलो, बोल बेटी। आ सकता हूँ? आइए मिस्टर विक्रम, आइए बोलिए। लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी हैं आप। बिजी तो हूँ वकील साहब। बैठिए। थैंक्स। लेकिन और कितने दिन कानून की दुहाई देकर आप टाइम पास करेंगे? कानून किसी को दुहाई नहीं देती मिस्टर विक्रम, बल्कि सबको सही रास्ते पे चलने की सलाह देती है। लेकिन वो किसी की जिम्मेदारी नहीं समझता। गीता तो चली गई, लेकिन दो दो बच्चों का बोझ मेरे सर पे रख दिया। आपका कानून इस बात को समझता है? इतना बड़ा बिजनेस, करोड़ों की जायदाद, इस सब का अधिकार कानून मुझे नहीं देना चाहता। लेकिन मैं गीता का कानूनन पति हूँ। आप बेवजह कानून पे आरोप लगा रहे हैं। कानून के बारे में आपको कुछ पता नहीं। कौन सा कानून? कानून कहता है जब तक गीता की डेड बॉडी नहीं मिलती तब तक उसे मरा हुआ साबित नहीं कर सकते। और अगर डेड बॉडी नहीं मिले? 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। 7 साल? जी हाँ, 7 साल। और उसके बाद कानून उसे मृत घोषित करेगी और मरने वाले के उत्तराधिकारी को ही संपत्ति का हकदार माना जाएगा। गीता मर गई, उसे तो मगरमच्छ खींच के ले गया था और मैंने मेरी आंखों से देखा था। सिर्फ मैं ही नहीं, गीता की करीबी दोस्त सीमा, उसने भी ये देखा था। यस, वी आर द आई विटनेसेस। हो सकता है, लेकिन कानून ने तो नहीं देखा, और बिना देखे कानूनी है, कैसे मान लेगी? तो फिर 7 सालों तक गीता के बच्चों का और उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कौन करेगा? अदालत। व्हाट डू यू मीन? यस, अदालत सारी जिम्मेदारी लेगी और गीता की सारी संपत्ति का हिसाब अदालत देखेगी। दोनों बच्चों का खर्चा भी अदालत देगी, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके खुद के खर्चे आपको ही उठाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये मैं नहीं, ये कानून कहता है। हाँ, एक और कानूनी बात आपको जानना चाहिए विक्रम बाबू। इन 7 सालों में अगर आपने दूसरी शादी की तो गीता के परिवार के साथ आपका कोई संबंध नहीं रहेगा और उसके संपत्ति की फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको। इस बात को याद रखना। तो फिर तुम जा रही हो बेटी? हाँ बाबा, बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे जाना चाहिए। अभी कहाँ जाओगी बेटी? उन्हीं के पास, जिनकी वजह से मैं मौत के मुंह में गई थी। वो लोग तो हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं और मेरे सीने में आग जल रही है, बदले की आग। मेरी आंखों में बदले का तांडव है, विनाश का तांडव। नहीं बेटी, नहीं। जो लोग पाप करते हैं उनको सजा भगवान ही देते हैं। उस पापी को उसके पाप का फल जरूर मिलेगा बेटी। नहीं बाबा, नहीं। उन पापियों को सजा मैं दूंगी, उनकी गुनाहों का बदला मैं अपने हाथों से लूंगी। उन लोगों ने मुझे 2 तरीकों से मारा है बाबा, एक शरीर से और एक विश्वास से। मेरे बच्चों को सहारा देने का झूठा दिलासा देके, झूठे विश्वास और झूठा प्यार दिखा के मेरी मांग सिंदूर से भरी थी, मुझे धोखा दिया था। उसने एक औरत को धोखा दिया है बाबा, एक माँ को उसके छोटे छोटे बच्चों से दूर करके उसकी ममता को तकलीफ दी है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं इस दुनिया को दिखा दूंगी, जो दुनिया सोचती है कि नारी अबला है, वो नारी अबला नहीं है। अगर नारी बदला लेने की प्रतिज्ञा करे तो जब तक वो प्रतिज्ञा सफल ना हो उसे चैन की नींद नहीं हासिल होती। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ बाबा, उसने जिस तरह मुझे मगरमच्छ के मुंह में ढकेल दिया था, मैं भी उसे मौत के मुंह में ढकेल के उसकी चीखें सुनूंगी बाबा और उसकी मौत का तमाशा देखूंगी। ठीक है बेटी, तुझे कभी भी मैं रोकूंगा नहीं बेटी।
तेरी बातों को सुन के लग रहा है कि तेरे मुंह से बात नहीं तेरी तड़प निकल रही है बेटी, तेरे आंख से आंसू नहीं बल्कि बह रहा खून, तड़प के खून। लो बेटी ये तुम्हारा ही सामान, तुझे जब मैं अधमरे हालत में लेकर के आया था तब ये तुम्हारे कान में थी, आज तुम जा रही हो तो इसको ले जाओ, तुम्हारे काम आएगी। लो लो बेटी लो। और बेटी इतने दिनों तक तू मेरी इस कुटिया में मेरी बेटी बन के रही है, बाप के घर से विदा होते समय बाप उसको कुछ उपहार देता है बेटी, लेकिन इस गरीब बूढ़े के पास तुझे देने के लिए सिर्फ आशीर्वाद के से और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने बहुत कुछ दिया है मुझे बाबा, बहुत कुछ, मौत के मुंह से बचा के नई जिंदगी दी है मुझे, इससे बड़ा तोहफा कौन सा बाप अपनी बेटी को देगा बाबा। जा बेटी, भगवान तुझे शक्ति दे। Doctor, I have come all the way from India. I want these scars to be removed from my face through cosmetic surgery. Can it be done, Doctor? Why not? I can restore your face as it was before. No, Doctor, please. I don't only want those scars to be removed. I want my face to be changed, a new face, so that nobody can recognize me. Ek naya chehra, jise koi nahi pehchanega. इस तरह और अकेली नहीं रह सकती, मैं कहती हूँ शादी तो हम नहीं कर सकते, मगर हमें साथ रहते कोई कानून हमें नहीं रोक सकता। बार बार एक बात क्यों कर रही हो, गीता के वकील को तुम नहीं जानती, एक बार मुझसे गलती हुई ना तो जायदाद से बेदखल कर देंगे, मैं बस मौका देख रहा हूँ, एडवोकेट बैनर्जी को ऐसा मजा चखाऊंगा कि पूरी जिंदगी वो। सब इसकी वजह से हो रहा है, मर के भी पीछा नहीं छोड़ रही, हट। आपने मेरे माँ के फोटो को फेंका क्यों? बात ये है रोहित,
कि फोटो हाथ में लेकर बात करते करते अंकल के हाथ से फोटो स्लिप कर गई। उन्होंने जानबूझकर नहीं फेंका। वैसे तुम्हारी मम्मी की फोटो हम फेंक सकते हैं। तुम झूठ बोल रही हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। तुमने जानबूझ के ये फोटो फ्रेम तोड़ दी है। नहीं कविता, तुमने गलत देखा। मुझे हाथ भी मत लगाना। कविता, बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करते। माफी मांगो, माफी मांगो। कहा ना? नहीं, मैं नहीं माफी मांगूंगी। उसने मेरी माँ की फोटो फ्रेम तोड़ दी। उल्टी बात करती है, उल्टी। देखोगी देखोगी तेरी माँ के फोटो के साथ क्या करता हूँ। ये ले देख। डॉक्टर, बट व्हाट अबाउट दीज कार्स? ये निशान? ओह, दैट विल वैनिश इन कोर्स ऑफ टाइम। धीरे धीरे सब चला जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।
कैच कैच तू पकड़ कैच ए पास करना ये ले होकर भी तुम्हें छू नहीं पा रही हूँ, तुमसे बात नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ कर देना बच्चों। सीमा, अब तेरा अंत है और मेरी शुरुआत। एक्सक्यूज मी। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं डायरेक्टर से मिलने आई हूँ, उनकी फिल्म में ब्रेक पाना चाहती हूं। इसी ब्रेक के लिए तो सुबह से सब लाइन लगा के बैठे हैं, लेकिन पता नहीं लोग अपना चेहरा आईने में देख के क्यों नहीं आते। वाओ। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, आपको अगर हर रोज एक जैसा ही खाना परोसा जाए तो आपको कैसा लगेगा? नेचुरली बहुत बोरिंग। ऑडियंस को भी ऐसा ही लगता है, मतलब हर रोज हर पिक्चर में एक ही हीरोइन को देखकर तो लोग पक जाएंगे ना। सभी पिक्चर में एक ही हीरोइन सीमा सीमा सीमा। इसमें उस हीरोइन को फायदा हो रहा है, लेकिन हमारे लिए और ऑडियंस के लिए ये चीज बहुत घातक हो सकती है। देखिए रवि जी, इसमें प्रोड्यूसर की क्या गलती है? आपके कहने से पेपर में इश्तहार दिए थे, 500 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, आपने 5 दिन से इंटरव्यू लिया लेकिन आपने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, इसमें मेरी गलती कहाँ है? तो क्या ये मेरी गलती है? कैसे सेलेक्ट करूंगा? किसी की फिगर अच्छी है तो फेस नहीं है, और किसी की फेस अच्छी है तो फिगर अच्छी नहीं है। किसी को बैठना नहीं आता, किसी को चलना नहीं आता, किसी की नाक चपटी। शायद भगवान भी एक खूबसूरत लड़की बनाकर हमारे इंडस्ट्री के लिए भेजने के लिए भूल ही गया। आ...
शायद मैं आपके सवाल का जवाब हूँ। हे भगवान, मेरे पास कोई जवाब नहीं। भगवान ने शायद मेरी सुन ली, इसलिए उन्होंने आपको मेरे पास भेज दिया है। सिर्फ तुम्हारी ये सूरत और मेरी ये दिमाग अगर दोनों मिल जाए तो हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा, समझी तुम? सारे फिल्म मैगजीन और न्यूज़पेपर पे हेडलाइंस बन जाएगी। सच कह रहे हैं? सिर्फ सच ही नहीं, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। योर नेम प्लीज। ज्योति। आई एम रवि, आने वाली फिल्म की डायरेक्टर, कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटर। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। स्माइल प्लीज। थैंक यू। हाय। हेलो। आपकी खूबसूरती शराब सी नशीली है, आप नदी की धारा हैं, आप फूलों सी खूबसूरत हैं, मानो पारिजात की माला। आपके सामने खड़े इस नाचीज को सब लोग विक्रम सिंह कहते हैं। अच्छा, चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है। आई एम वेरी ग्लैड। मेरे जैसे एक बेनाम इंसान को आप अगर थोड़ा सा भी जानती हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ओ वेट 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 वेट, आप वो विक्रम सिंह तो नहीं हो ना जिन्होंने एक धनी विधवा महिला से गीता चौधरी से शादी की थी? जी हाँ मैडम। तो फिर आप तो बीती हुई बात कर रही हैं, पास्ट, अतीत। कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में, लीव इट, छोड़िए ना। चलिए आज की बात करें, प्रेजेंट की बात। ठीक कहा आपने, आज ही की बात करनी चाहिए। अगर हम अतीत में ही जीने लग जाए तो फिर आज का तो कुछ पसा नहीं रहे। ठीक कहा ना मैंने? Well, that depends. Depends का क्या मतलब? छोड़िए। आज प्रोड्यूसर ने उसकी फिल्म की नई हीरोइन को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये पार्टी रखी हुई है। तो चलिए ना डांस करें, आज के दिन को थोड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा? Let us dance. Why not? Excuse me. उधर चलो। जानती हो तुम्हारी एक फोटो छपते ही पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। ज्योति, तुम्हारी इस खूबसूरती से न जाने कितने आशिक जल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मरने दो। अरे वाह, लोगों को मारने का आपको बहुत शौक है क्या? जो खुद मरते मरते बची है उसे लोगों को मारने से कैसा डर? लेकिन जो मरा हुआ है उसे मारकर क्या फायदा? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ तुम पे। चलो चलते हैं, यहाँ बहुत गर्मी है। चलो। अरे चलो ना। तुमने इतनी तालियां क्यों बजाई वहां पे? क्यों, जलन हो रही है? नहीं, जलन नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। भूलना मत विक्रम, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, और अगर कोई मेरे प्यार को छीनने की कोशिश करे तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। लोग सही कहते हैं, जेलसी, दैट मीन्स वुमन, नारी का दूसरा नाम है ईर्ष्या। तुम बेवजह चिंता कर रही हो डार्लिंग, तुम्हारा विक्रम दुनिया छोड़ सकता है लेकिन तुम्हें नहीं। ओ विक्रम। मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? आ तो गए हो अंदर, अब क्या पूछ रहे हो? नहीं, ये बात अगर मैं बाहर से ही कहता तो सारी बात बाहर ही रह जाती ना, इसलिए मैं टोटल अंदर आ गया और आने के बाद आपसे ये पूछा। अगर आप कहती हैं तो मैं फिर से बाहर जा करके ये बात पूछता हूँ कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? विक्रम बाबू ने आपके लिए ये उपहार और चिट्ठी भेजी है।
ओ तो तुम उनके नौकर हैं? क्या बोली, नौकर? नहीं नहीं, मुझे देख के लगता कि नौकर हूँ मैं। मुझे बिठा के चाय पानी पूछने के बजाय आप उसे कह रही हैं कि मैं नौकर हूँ। मैं नौकर नहीं हूँ, मैं टोटल विक्रम का मामा हूँ। ओ मामा। हाँ। बुढ़े लोगों को देख के समझ नहीं आता कि वो नौकर है या मामा। बुड्ढा? कौन बुड्ढा? नहीं नहीं बुड्ढा नहीं, आपने फटाफट गाल पे चटा मार के सटासट नौकर के लेवल से मुझे बूढ़े के लेवल पे पहुंचा दिया। मेरा चेहरा ही कुछ ऐसा है, मेरा विश्वास करिए, मैं विक्रम से टोटल एक साल ही छोटा हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आपका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपके साथ कोई हादसा होने वाला है। रहने दीजिए बात, चिट्ठी लीजिए, पढ़िए, टोटल पढ़िए और साथ साथ जवाब भी दे दीजिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी खूबसूरती के बारे में जो भी मैंने सुना था उससे आप कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आपका बदन ऐसा है कि अगर मक्खी भी बैठे तो वो भी फिसल जाएगी। आपका चेहरा चांद, नहीं नहीं चांद में तो दाग है, कमल, नहीं नहीं कमल भी तो कीचड़ में खिलता है। क्या कहूँ आपसे, क्या कहूँ आपसे, क्या कहूँ आपसे, टोटल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन सीता के लिए रावण मरा, द्रौपदी के लिए कौरव मरे, मेरा भी तबीयत कुछ खराब लग रहा है। लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि आपको पाने के लिए न जाने कितने लोग सुसाइड करने के लिए आगे आएंगे, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ। इतना तारीफ के बदले ये इनाम मिला? नहीं, कब कहा क्या बोलना चाहिए, इस चीज का, इस चीज का सबक था ये। गेट आउट, गेट आउट आई सेड। अरे मामा, जवाब ले आए कि नहीं? हाँ लाया हूँ, ये देख भांजे, मेरे गाल पे टोटल 5-5 उंगलियां छप गई हैं। इससे तू समझ जाएगा वो कैसी है। उसको भूल जा, उसको टोटल भूल जा भांजे। अरे हार समझ को जिसको गले में डालेगा समझा था, वो सिर्फ फूल की माला ही नहीं, वो टोटल नागिन है। नागिन को नचाने की बीन इस विक्रम के पास है मामा, और वैसे भी ये विक्रम जिस किसी को फूल भेजता है उसे कभी भूलता नहीं। उसके दिल के बगीचे में प्यार का फूल नहीं खिलाया तो ये विक्रम अपना नाम बदल देगा। हैं? यहाँ पे एक HMI लेके आओ। बाबू कैमरा क्रेन पे लगाओ। सर सब कुछ कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ से कैमरा लेके पैन करके उधर लोकेशन पे घुमाऊंगा, और यहाँ से थोड़ा जूम करते हुए जाएंगे हम लोग वहाँ पे, और वहाँ से हीरोइन डांस करते हुए आएगी। अरे छगन, हो गया क्या तुम लोगों का सब? अरे जल्दी जल्दी करो यार, अरे भीड़ हटाओ यार। एक्सक्यूज मी, ज्योति मैम से कहिए विक्रम साहब मिलने। ठीक है मैडम, कोई विक्रम जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं यहाँ शूटिंग करने आई हूँ, किसी से मिलने जुलने नहीं। बोल देना मेरे पास टाइम नहीं। समय की इज्जत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैडम आपके फैन के लिए थोड़ा सा समय तो दीजिए। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर मजाक कर रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन यकीन कीजिए मैंने जब से आपको देखा है तब से सोते जागते हर तरफ आप नजर आ रही हैं। सपने देखना बंद कीजिए, सपने इंसान को मुसीबत में भी डाल सकते हैं। यकीन कीजिए मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहे हैं? ये बुरी आदत आपको कब से लग गई? वाह, बिना हथियार लिए आप तो कत्ल कर रही हैं। किसी का कत्ल करने के लिए हथियार की क्या जरूरत? हाँ, अगर मरने वाला इतना भी बेशरम ना हो तो वो तो बातों से ही मर जाएगा। एक्सक्यूज मी। और एक मिनट मैडम। बोलो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट लिया है, अगर आप इसे लेंगी। किस खुशी में? बस आपकी याद आई और मैंने गिफ्ट ले लिया। लीजिए, अब इसे पहना कर देखना होगा, आपके सुंदर हाथ का गहना ये कंगन होगा या इस कंगन का गहना आपका सुंदर हाथ होगा। पहनिए। आपके हाथ में कंगन बड़ा सुंदर लग रहा है, खानदानी लग रहा है। भारतीय शिल्पकारी का यह नमूना है, बहुत सालों से हमारे खानदान की औरतें इसे पहनती हैं।
क्यों? अच्छा है ना? बहुत सुंदर है, भारतीय शिल्पकारी का नमूना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद किसी ने इसे पहना है। ये आप क्या कह रही हैं? आपको सेकंड हैंड चीज गिफ्ट करने की हिम्मत मैं कर सकता हूँ? थैंक यू, माय प्लेजर। एक्सक्यूज मी ज्योति, योर शॉट इज रेडी। योर शॉट में तुम डांस करने जा रही हो और मैं कैमरा लेकर ऊपर आ रहा हूँ। ओके, रेडी। लाइट ऑन, रोलिंग, साउंड, सॉन्ग थ्री टेक वन, एक्शन।
अरे आओ आओ अंदर आओ। अरे ज्योति अंदर आओ। ये है हमारा छोटा सा गरीब खाना यानी सिनेमास्कोप। माँ माँ जल्दी आइए ना। मेरा घर बहुत छोटा है मगर इसका दिल बहुत बड़ा है, लाइक फुल स्क्रीन। बहुत बड़ा मतलब? मतलब इस छोटे से घर में मेरे बड़े भैया भाभी और उनके छोटे छोटे बच्चे और हमारी माँ भी यहाँ रहती हैं। और इन सब को मिलाने के बाद एक छोटा सा घर का बड़ा दिल हुआ कि नहीं, राइट? क्या हुआ बेटा, क्यों बुला रहा है? मैं हमेशा आपके सामने ज्योति नाम की लड़की की तारीफ करता था ना। हाँ करता था। यही है वो ज्योति। ज्योति ये है मेरी माँ। नमस्ते। आहा, बिल्कुल लक्ष्मी का रूप है। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। बोला तो शनिवार। मैं बोल रही हूँ कल संडे है। नहीं शनिवार है। बोला ना कि कल संडे है। शनिवार है, शनिवार है। नहीं कल संडे है। मुझे समझ नहीं आता। संडे है, संडे है। मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा, नहीं मैं पहले। भैया भैया कल शनिवार है या रविवार? कल ना? कल संडे है। यस, कल है संडे। देख लिया ना? हाँ देख लिया। अरे रे रे झगड़ा नहीं। सुनो ये है ज्योति आंटी, जाओ उन्हें नमस्ते करो। अरे नहीं नहीं। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है बोलिए। मुझे दे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बोले तो, कौन है? हेलो 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 हेलो। हाय, आप यहाँ? हाँ मैं। आप अंदर आइए, मैं आती हूँ। अभी भी खड़े हो, बैठिए ना। इस कैजुअल ड्रेस में आप बहुत अच्छी लग रही हो, मगर मुझे लगता है आपकी इस खूबसूरती के पीछे कुछ रहस्य छुपा हुआ है। मतलब? मैं सिर्फ कैमरामैन नहीं हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। किसी के मन के बात पढ़ने के लिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। तुम्हारे अंदर जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। दोस्त के नाते क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं कदम रख रही हूँ उस पे मुझे खुद अकेले ही चलना होगा। मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ऐसा क्या राज है तुम्हारी जिंदगी में? ऐसे सवाल मुझसे मत कीजिए रवि जी, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी आपको। मेरी आंखों में देखकर बोलो, मेरे जैसे दोस्त की तुम्हारी जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं। हाँ। क्या बोल रहा है तू? जानते हैं मामा, आपने गीता के बाप को मारा तो मैंने तो गीता के पति को मारा, पति को। सांजे हमारी बात टोटल सुन लिया इन्होंने, चल जल्दी चल। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो बच्चे लोग, जल्दी चलो चलो चलो, संभालो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो अंदर अंदर। मामा वो उधर, चलो चल। ए बुढ़ाओ, क्या सुना तुमने? मैं तो कुछ नहीं सुना। चुप, झूठ बोलेगा तो गलत दबा दूंगा। नहीं आप लोग इतने जोर से बात कर रहे थे, बाहर सब कुछ सुनाई दे रहा था तो मुझे भी सुनाई दिया।
मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं कहूंगा, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं कहूंगा। जिंदा रहेगा तो बोलेगा या ना बोलेगा, यह सवाल पैदा होगा, है कि नहीं? अरे जी बांजे जी, इसको मार के हाथ गंदा मत करो, इसको मार मत, इसको यहाँ से फेंक दे बस। सुबह उठ के लोग देखेंगे, बोलेंगे सीढ़ी से गिरा और मर गया। चल मत मारो मुझे, मत। भैया, क्या उन्होंने सच में रामू काका को? Excuse me. Yes. आप कविता चौधरी की क्लास टीचर yes. है ना? वो कहाँ है? दो दिन से वो नहीं आ रही है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, और इसका भाई रोहित? वो भी नहीं आ रहा, मैं अब चलती हूँ। I'm so sorry, विक्रम जी, मेरी वजह से आपको लेट हो गया। लेट ही हुई है, भूकंप तो नहीं आया। होता भी तो क्या फर्क पड़ता, भूकंप तो आपकी वजह से ही होता। टेलीफोन पे आपसे बात करके मैं समझ गया था कि मैं अकेला नहीं जल रहा, ये आग हम दोनों के भीतर जल रही है। लेकिन जिस आग में मैं जल रही हूँ उस आग के मुकाबले आपका जलना कुछ भी नहीं है विक्रम जी। मेरे दिल की आग सबको जला के राख भी कर सकती है। इस आग को शांत करने का एक ही उपाय है, चलो ना हम दोनों एक हो जाएं। ज्योति जी, जहर जैसे जहर को मारता है, प्यार की आग को भी प्यार की आग बुझाती है। इतनी जल्दी भी क्या है, मैं पहले जान तो लूं कि आप कौन हो, कहां से आए हो और कहां रहते हो। तो फिर इसमें देर कैसी, चलिए ना, आपके लिए मेरे घर के सारे दरवाजे खुले हैं। आप जिस दरवाजे पे पहुंचेंगी वही दरवाजा आपको वेलकम कहेगा। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, मैं आपके घर जाने के लिए बहुत उतावली हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे, मतलब आप रहते हो ना। डॉग, ओह स्ट्रेंज, इतने बड़े भयंकर जानवर को आपने देखते ही देखते काबू में किया। जानवरों को काबू करने का तरीका मुझे अच्छे से आता है विक्रम जी, इसलिए वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे गुलाम हो जाते हैं। द मोर आई सी मैन द मोर आई लाइक डॉग्स। वो मेरे बच्चे हैं। हाय, आप लोग यहाँ नीचे नहीं आओगे? आओ ना, आओ आओ। कविता, रोहित, आओ नीचे, ये तुम्हारी आंटी हैं। सुनो, ये आज हमारे साथ लंच करेंगी। मैं रोहित, ये कविता मेरी छोटी बहन। बहुत अच्छे, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्टुअर्ट कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, क्या ढूंढ रही हैं? क्या चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे और कौन रहता है? कौन रहेगा, ये बच्चे, मैं और ये कुछ नौकर, बस छोटा परिवार।
बस एक ही की कमी है। कविता सूप पियो। आंटी ने क्या कहा सुना नहीं कविता? सूप पियो पियो। कविता सूप ऐसे पिया जाता है कविता? कविता कहाँ जा रही हो? मुझे भूख नहीं है। गंदी बात, मेहमान के सामने कैसे बर्ताव करे तुम जानती नहीं हो? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया खाने के टेबल से उठना बैड मैनर्स होता है। चल कविता। तुम्हें क्या हुआ? मुझे भूख नहीं। भूख नहीं तो जाओ जाओ, तुम लोग जाओ यहां से तुम। देख रही हैं, ये सब मेरे लाड़ प्यार का नतीजा है। अरे नहीं, मुझे लगता है कि उनके दिलों में कोई दर्द छुपा है। वो मन ही मन किसी चीज से डर रहे हैं बहुत। हेलो। मुझे अच्छे से पता है इस वक्त ज्योति तुम्हारे घर पर तुम्हारे सामने बैठी है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते विक्रम। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है और जो जो सीक्रेट छिपा हुआ है उसका एक एक डिटेल मैंने अपने पेपर पे लिख के रखा हुआ है। और सुन लो, मेरे पास एक पॉइजन की बॉटल भी है। मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देती हूँ। अगर तुम इस 10 मिनट में नहीं आए तो ये पॉइजन की बॉटल में निगल जाऊंगी। फिर तुम्हारी क्या हालत होगी ये तुम ही जानो। सिर्फ 10 मिनट का वक्त एंड द काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। ज्योति, एक अर्जेंट बिजनेस के काम के लिए मुझे जाना होगा। अगर मैं नहीं पहुंचा तो बहुत लॉस होगा। मैं जाके आता हूँ, प्लीज बियर विथ मी। अरे उसमें क्या है, जाइए ना। लेकिन आप मत जाइए। अगर जाना ही था तो आती क्यों मैं? That's like a good girl. हीरो, इतना चिल्ला क्यों रहा है? ओह, मैं बच्चों के पास जाऊं? अच्छा, माँ, तुम आते क्यों नहीं माँ? माँ, तुम कहाँ हो माँ? जल्दी आ जाओ माँ। किसकी फोटो है? मेरी माँ की फोटो है। तुम अपनी माँ को बहुत याद करते हो ना? याद आती है, बहुत याद आती है। लेकिन माँ क्यों नहीं आती? इस फोटो की कांच किसने तोड़ी? अंकल ने मेरी माँ के सारे फोटो के कांच तोड़ दिए। रोहित बेटा, जरा तुम यहाँ आओ। भैया, ये आंटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल हमारे माँ जैसी। हमसे प्यार करेगी, हमसे खेलेगी, और भैया ये हमें नहीं मारेगी। क्या कहा, तुमको यहाँ कोई मारता भी है? अंकल हमें रोज मारते हैं। रामू काका के जाने के बाद हम स्कूल भी नहीं गए हैं आंटी। रामू काका कहाँ गए? मर गए। मर गए? रामू काका मर गए? हाँ, अंकल और मामा जी ने मिलके उनको मार दिया। कविता नहीं, कुछ मत बोल। तुम्हें कोई डर नहीं, मुझे सब कुछ बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। बोलो, उन्होंने रामू काका को क्यों मारा? क्योंकि हाँ बोलो। क्योंकि रामू काका ने सारी बातें सुन ली। कौन सी बात? अंकल और मामा जी ने हमारे दादाजी को भी मारा था। कविता, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ आंटी, उसने खुद ही कहा था। दादाजी के मुंह पर तकिया रख कर उन्हें मार दिया। सिर्फ इतना नहीं आंटी, विक्रम अंकल ने हमारे पापा को भी मारा। रोहित। हाँ आंटी। हाँ। कविता, गैरेज के लोगों का पैसा दे के मेरे डैडी के गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया उन्होंने। हमें बहुत डर लग रहा है आंटी। हाँ आंटी, हमें बहुत डर लग रहा है। अब तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी आंटी नहीं, तुम्हारी माँ है। आज से मेरे बच्चों पे कोई हाथ नहीं उठा सकता। तुम्हारे पापा और दादा की कसम खा के कहती हूँ, हर एक जुल्म के लिए उन पापियों को मैं खुद सजा दूंगी। कौन है तुम?
इतनी रात को क्यों आया भाई? कुछ पैसा वैसा बाकी है क्या, या ब्याज मांगने आए हो? हाँ, ब्याज वसूल करने आई हूँ मौसा जी। हाँ? मौसा, ये कौन सी साली की बेटी हो? ऐसे किसी साली से तो मैंने उधार लिया ही नहीं है। तुम कौन हो बेटी, तुम्हारा चेहरा तो दिखाओ। बात तो यह है कि एक तो इतना अंधेरा, ऊपर से मेरा दिल भी धड़क रहा है, थोड़ा भी झटका लगेगा तो बंद हो जाएगा टोटल। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने थोड़ी दूंगी। मैं तो तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। मारोगी मुझे? मुझे मारोगी तो मारो ना, उससे पहले तुम्हारा चेहरा तो देख लूं मैं। गीता? हाँ मौसा, मैं तुम तो मर गई थी। मैं दुनिया के लिए मर गई थी, लेकिन तुम जैसे पापी को सजा देने के लिए दोबारा जन्म लिया। लेकिन मेरे पास तेरा क्यों आना हुआ? क्यों आना हुआ? मैं अपने पापा रामू काका और पति की हत्या का बदला लेने आई हूँ, उसके बाद ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं उनका बदला लेने आई हूँ, समझे तुम? उनका बदला लेने आई हूँ मैं। मेरी मौत का बदला? नहीं गीता, मुझे मेरे बच्चों से दूर रखा। नहीं गीता, नहीं, मुझे माफ कर दे। हेलो सीमा, मैं ज्योति बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। अभी मैं एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। तुम्हारा प्रेमी विक्रम, जो मेरे प्यार में पागल है, वो मेरे इशारों पे उठ रहा है, बैठ रहा है, नाच रहा है, और वो कल मुझे अपने साथ रामपुर के फार्म हाउस पे ले जाना। क्या कहा? उसने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, उसने तुम्हें कुछ कहा नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो तुम्हारा विश्वासघात कर रहा है। और अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो कल तुम खुद रामपुर के फार्म हाउस पे आ जाओ और अपनी आंखों से तमाशा देखो, समझी? हेलो हेलो हेलो, ये है हमारा फार्म हाउस। वाओ, बहुत सुंदर जगह है। आपसे ज्यादा नहीं। अरे गाड़ी में ही बैठी रहेंगी क्या? आइए ना। हेलो आंटी। शांति मौसी, ये है मेरी खास मेहमान। अब इनकी खातिरदारी करना आपका काम है। अच्छा सुनिए, एक काम कीजिए ना, गीता का रूम इनके लिए खोलिए। नहीं नहीं, वो कमरा में नहीं खोल सकती। खोल नहीं पाएंगी? क्यों आंटी? उस हादसे के बाद ही मैंने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो हादसा अब तक आप भूल नहीं पाई है ना? गीता बिल्कुल मेरी बेटी जैसी थी। कोई माँ अपनी बेटी को भूल सकती है भला? ए कालिया, अरे उसे रोको। बहुत खूबसूरत घोड़ा है, ये किसका है?
मेरा घोड़ा है। तो आपको हॉर्स राइडिंग आती है? हाँ, इसमें बड़ी बात क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप बैठ के दिखाइए। अच्छा कालिया, ए कालिया, क्या हुआ? अरे रोको उसे। हाँ अच्छा छोड़ो उसे। अरे 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 रुक। रुक रुक जा, मानेगा नहीं, मस्ती करेगा। मान मानेगा नहीं ना, ये ले। नहीं मानेगा। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? उसे मारिए मत। जानवर के साथ जानवर की तरह बर्ताव करना चाहिए। मैं उसके साथ अपनापन दिखा रहा था तो उसे समझ में नहीं आया। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि आप किससे कितना प्यार करते हैं और किससे कितनी नफरत। बच्चों, जरा बताओगे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वह हमारे पापा नहीं हैं, लेकिन आप कौन? मैं ज्योति का दोस्त, ज्योति विक्रम के साथ गई है ना, वो कहाँ गए हैं यही मैं जानना चाहता हूँ। सुनो बच्चों, ज्योति की जिंदगी आज खतरे में है, मुझे बताओ वो लोग कहाँ गए हैं। अच्छा बच्चों, तुम लोग अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ लौट आए ये भी चाहते हो ना? हाँ। तो फिर सुनो, ज्योति तुम्हारी माँ है। आप सच कह रहे हो अंकल? बोलिए ना अंकल। मैं सच कह रहा हूँ बच्चों। अंकल अंकल, मैं जानती थी हमारी माँ हमारे पास लौट के जरूर आएगी। अंकल, आप हमें हमारे माँ के पास ले चलेंगे ना? प्लीज अंकल, प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। वो लोग कहाँ गए? वो लोग रामपुर के फार्म हाउस पे गए हैं। राजा, उसने तुम्हें बहुत मारा ना? क्या करती मैं बोल? तब मैं कुछ नहीं कर पाई राजा, लेकिन तुम चिंता मत कर, उन पापियों के दिन अब खत्म हो चुके हैं राजा। ये देख राजा, तेरे लिए मैं खाना लेकर आई हूँ, खा। नहीं कालिया, नहीं कालिया, तू रो मत, हमारे दुख के दिन अब खत्म हो गए हैं। इसका मतलब है तू कह रहा है कि मैं राजा पे बैठूं? हाँ दे। कविता, रोहित, गीता, इसका मतलब मेरी गीता वापस आ गई, मेरी गीता वापस आ गई, मेरी गीता।
सीमा, तुम? हाँ मैं। क्यों सरप्राइज्ड हो गए तुम? तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? पहले बताओ वो कहाँ है? वो? कोई बहाना बनाने की कोशिश मत करना, मैं अच्छे से जानती हूँ वो यही है विक्रम। वो कौन? तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ उसका कोई नाम है कि नहीं? मैं ज्योति की बात कर रही हूँ। पहले बोलो मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी प्रेमिका एयरपोर्ट से मुझे फोन की थी और इतना तक कहा कि तुम उसे फंसा कर यहाँ ले आए हो, कि तुम मैं उसे बताना चाहती हूँ कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। सीमा भगवान के लिए थोड़ा चुप करो। भगवान? तुम जैसे धोखेबाज के मुँह से भगवान का नाम शोभा नहीं देता। सीमा चुपचाप चलो यहाँ से। नहीं, छोड़ो मुझे। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, अच्छा यही होगा कि ये गंदी शक्ल लेकर यहाँ से निकल जाओ। तेरी शक्ल से मैं नफरत करता हूँ। नफरत तो तुम अब करोगे ना, तुम्हें अब कोई और मिल गई है। तुम अब ज्योति के जोत में खुद को जलाने जा रहे हो। हाँ तो क्या हुआ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मेरी जो इच्छा मैं वही करूँगा, बीच में आने की कोशिश मत करो, यहाँ से निकल जाओ। हाँ मैं चली जाऊंगी, मगर जाने से पहले मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुमने गीता का खून किया है। पैसों की लालच में तुमने उससे शादी की और उन्हीं पैसों को पाने के लिए तुमने उसे मार डाला। ये मत भूलो सीमा, गीता के खून में मेरा जितना हाथ है उतना ही तुम्हारा भी हाथ है। कानून की नजर में जितना मैं दोषी हूँ उतनी ही तुम भी दोषी हो। फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ेगा तो तुम्हारा सुंदर गला भी नहीं बच पाएगा। मुझे मेरी परवाह नहीं है, लेकिन मैं ज्योति के बारे में सोच रही हूँ। मैंने धोखा खाया है, गीता ने भी धोखा खाया है, लेकिन मैं ज्योति के साथ धोखा होने नहीं दूंगी। मारो जितना चाहे मारो, लेकिन तुम चाह कर भी मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। बंद नहीं कर सकता? नहीं। हाँ? नहीं बंद नहीं कर सकते। एक दिन मेरे लिए तुमने गीता का मुंह बंद किया था, आज ज्योति के लिए तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। इस मुखौटे को उसके सामने खोल दूंगी। कौन से मुखौटे की बात कर रही है तुम सीमा? जो तू कहना चाहती है वो सब मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, अपने कानों से सुन चुकी हूँ, मुझसे ज्यादा इसे और कौन जानेगा। ज्योति? ज्योति नहीं, गीता। गीता? 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 तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ, और क्यों जिंदा हूँ पता है? तुम्हारी मौत लिखने के लिए मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ? क्यों नहीं होगा संभव, मैं जिंदा हूँ। जिसे भगवान बचाता है उसे कोई भी नहीं मार सकता, समझी? आई एम अ मिरेकल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी ने मेरा चेहरा बदल दिया और मुझे सुंदर बना दिया। बाहर के तो सारे जख्म भर गए, लेकिन जो जख्म तुम दोनों ने मिलकर मेरे दिल पे दिए थे उन जख्मों को कोई नहीं भर पाया। उस भयंकर दिन को मैं आज तक नहीं भूल पाई। तुम्हारी एक एक बात जो झूठी साबित होती गई मेरे दिल पे ऐसे जख्म दे गई जो मगरमच्छ की जख्मों से भी ज्यादा खतरनाक थे, समझे तुम? लेकिन अगर चाहती थी तो मैं तुमसे पहले ही बदला ले सकती थी, लेकिन मेरे दिल के जख्म नहीं भर पाए। और अब मैं तुम्हें वही लेके जाऊंगी जहाँ तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, और बिल्कुल वही पर तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित होगा। वो कैसे? क्या तुम अपने नाजुक हाथों से मुझे उठाकर ले जाओगी? तेरी जिंदगी में मौत का फरमाना वहीं पे लिखा है विक्रम, और तू अपनी मौत की मंजर तक कुत्ते की तरह भाग भाग के जाएगा, समझा? इस चाबुक की मार तुझे ऐसे लगेगी विक्रम कि अपने आप को जानवर से भी बदतर महसूस करेगा। इस चाबुक से मैं तेरे शरीर को, तेरे मन को, तेरी आत्मा को मारूंगी विक्रम, तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी, तब जाके तुझे समझ आएगा कि मौत की तड़प किसे कहते हैं। जो तकलीफ मेरे पति, मेरे पापा और रामू काका को हुई थी, और जो तकलीफ मेरे बच्चों ने झेली है। औरत की जुबान जितनी तेज चलती है ना, वो उतनी ही कमजोर होती है। कमजोर? अरे शैतान, तूने नारी का असली रूप अब तक देखा ही कहाँ है? तू तो बस नारी नाम के खिलौने से खेल चुका है, लेकिन आज तू नारी नाम के हथियार के सामने नहीं टिक पाएगा। तूने बस मदर मेरी की दया और सीता के आंसू देखे हैं, लेकिन काली का चंडी का रूप नहीं देखा। तूने बस द्रौपदी का वस्त्र हरण देखा है, दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी रूप नहीं देखा। मदर तेरेसा की स्नेह और ममता तूने सुनी तो जरूर है, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रूप नहीं देखा तूने। नारी नाम की फूल का बस कोमल सुंदर चेहरा देखा तूने, लेकिन उसका खतरनाक नकाब नहीं देखा। देख,
आज एक नारी क्या कर सकती है देख। बेवकूफ औरत, सुन गीता, भाग भाग यहाँ से। गीता कहाँ हो, सामने आओ। सुनो, छुपकर कोई फायदा नहीं, समझे ना। जिस राजा को तुम जान से ज्यादा चाहती हो वो मेरी बंदूक के सामने है। सुनो, एक से तीन गिनने तक सामने आ जाओ, नहीं तो मैं राजा को जान से मार दूंगा। और सुनो, इस घोड़े की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। तुम, एक दो तीन। रुक जा। अरे वाह, इसे कहते हैं परोपकारी। मैं तो इंसान की भी नहीं सोचता। और तुम एक जानवर के लिए अपनी जान देने जा रही हो। तेरी मौत मेरे हाथ से लिखी है गीता। तू मर जाएगी तो मेरे रास्ते के सारे कांटे साफ हो जाएंगे और तेरी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, मेरी। राजा, ये मेरे इज्जत का सवाल है। चल चल। एक चुटकी सिंदूर, 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 एक चुटकी सिंदूर। चल राजा, चल। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। चल, छोड़ो। मुझे माफ कर दो। एक चुटकी सिंदूर।
चलो ज्योति लौट चले चलो।